जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार यात्रा विद विशाल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त कंपनी के ऊपर दोस्तों, एंड उस कंपनी के सेक्टर की बात करें दोस्तों, केमिकल सेक्टर में आने वाली इतनी दिग्गज कंपनी दोस्तों की, उसका रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स भी वो बहुत ही ज़बरदस्त अपने शेयर होल्डर्स को देती है दोस्तों। सो आज उनका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया था एंड हम सीधा उसी पर चलते हैं एंड देखेंगे कि यह कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो कैसा है एंड उस, जिससे कि हमको मालूम चल सके कि या इस कंपनी में कोई दिक्कत की बात तो नहीं है एंड आगे हमको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। तो ये सभी बातें हमको उसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में ही देखने को मिल सकती है। सो चलिए सीधा चलते हैं अपने इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के ऊपर। सो यहाँ पर हम अपनी कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के ऊपर आ गए एंड यहाँ पर जो भी बातें होंगी सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये बातें होंगी वो लक्ष्य में होंगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा है दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे दिसंबर महीने का डाटा देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर सितंबर 2020 के एंड यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर की डाटा आपको देखने को मिलेंगे। एंड टोटल इनकम की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस एंड लेस जीएसटी कलेक्टेड एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट एंड अदर इनकम, तो ये चार चीज़ों को जोड़ करके टोटल इनकम बनाए दोस्तों। सो टोटल इनकम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,14,446 आपको देखने को मिले, जबकि सितंबर महीने की बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि सितंबर महीने में 1,12,615 आपको देखने को मिले, जबकि लास्ट ईयर 2019 की बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 1,04,614 आपको देखने को मिले। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीधा सीधा हमारी जो कंपनी है वो ईयरली बेस पे एंड क्वार्टर बेस पे दोनों ही बेस पे हमको अधिक टोटल इनकम करते हुए देखने को मिल रही है। एंड एक्सपेंसेस की बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस है वो 94,565 इस दिसंबर क्वार्टर में एंड सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 95,877 एंड लास्ट ईयर की बात करें तो 87,532 आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है जो एक्सपेंसेस है वो क्वार्टर वाइज घटती हुई एंड ईयरली बेस पे आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है दोस्तों। सो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो देखते हैं आप देख सकते हैं कि टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,881 आपको देखने को मिले, जबकि सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 16,738, जबकि दिसंबर 2019 की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17,082 आपको देखने को मिल रही है। एंड अगर टैक्स की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टैक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल टैक्स है वो 3,700 आपको देखने को मिल रही है दिसंबर क्वार्टर में एंड सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 3100 आपको देखने को मिल रही है, जबकि लास्ट ईयर की बात करें तो 3400 आपको देखने को मिल रही है। सो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट कंपनी को हो रही है वो 16,181 इस क्वार्टर में हो रही है एंड सितंबर क्वार्टर की बात करें 13,638, जबकि लास्ट ईयर की बात करें 13,682 आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो क्वार्टर बेस पे एंड ईयरली बेस पे दोनों ही जगह पे हमको अच्छे प्रॉफिट कमाती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अर्निंग पर शेयर है यहाँ पे 9.29 आपको देखने को मिला है, जबकि लास्ट क्वार्टर सितंबर की बात करें तो 7.83, जबकि लास्ट ईयर की बात करें तो 7.85। तो यहाँ पर हम अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं कि बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। सो दोस्तों सबसे पहली बात की जो रेवेन्यू इनको हुआ है, सो इनको बिजनेस से होता है, तो हम एक बार सेगमेंट रेवेन्यू भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने से फायदा ये होता कि दोस्तों कि आपको यह मालूम चल जाता कि या कि कौन से बिजनेस से मतलब इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है या घाटा हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल के जरिए इनको 1,02,912 इस क्वार्टर में इनको जो रेवेन्यू हो रहा है, जबकि सितंबर की बात करें तो 1,05,649, जबकि लास्ट ईयर की बात करें तो 1,57,000 आपको देखने को मिला। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो केमिकल का बिजनेस है इनका, उसमें इनको हमको क्वार्टर बेस ईयरली बेस पे हमको बढ़ोतरी एंड जबकि क्वार्टर बेस पे घटते हुए देखने को मिल रही है। एंड फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में 23,220, जबकि सितंबर क्वार्टर में 22,158 एंड 31 दिसंबर 2019 की बात करें तो 17,615 आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल में आपको ईयर बेस एंड क्वार्टर बेस दोनों ही बेस पर बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंपनी का प्रॉफिट है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो अब हम सीधा चलते हैं कंपनी के ऊपर। सो यहाँ पर हम कंपनी के बैलेंस शीट पर आ गए हैं एंड यहाँ पे हम सबसे पहले इनका रिजर्व देखेंगे। तो रिजर्व हम देख सकते हैं कि रिजर्व कंपनी पे पहले 1,400 करोड़ का था, जबकि उसके बाद 2,500 करोड़ एंड अभी की बात करें तो 2,800 करोड़ का रिजर्व हमको बढ़ते हुए देखने को मिला। सो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार रिजर्व हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड कर्जे की बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं पहले 897 एंड उसके बाद 807 एंड अभी की बात करें तो 577 करोड़, तो यहाँ पर कर्जा घटते हुए हमको देखने को मिल रहा है।
जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करते हो, शॉर्ट टर्म में भी हम देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमको कर्जा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी की बात करते हो 1211 करोड़ का कर्जा हमको कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है दोस्तों। एंड अगर कैश की बात करते हैं, यहाँ पर हमको कैश बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड प्रेजेंट टाइम में 233.37 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। सो कंपनी के ऊपर हमको कर्जा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो कर्जा वो घटते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आपकी अच्छी बात है। सो ये भी बैलेंस शीट हमको ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का प्रमोटर्स की होल्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले दिसंबर महीने की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घटते हुए देखने को हमको मिल रहा है दिसंबर से, या दिसंबर 19 से दिसंबर 20 का डाटा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले दिसंबर में 48.25% की होल्डिंग प्रमोटर्स इस कंपनी में रख रहे थे। एंड अभी की बात करें तो 47.34 प्रमोटर इस कंपनी में होल्डिंग रख रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि पहले सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे 0.01% की पीरीज थी, जो कि अब खत्म हो गई है दोस्तों। एंड फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें देख सकते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में करीब 9% की होल्डिंग इस दिसंबर महीने में आपको देखने को मिल रही है। एंड दिसंबर 19 की बात की तो यहाँ पर 7.49% की आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। डीआईएस की बात करते हैं, आप डीआईएस भी देख सकते हैं कि डीआईएस अपना जो हिस्सा है वो घटाते हुए देखने को मिल रही है। एंड प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 14.46% की होल्डिंग इस कंपनी में हमको देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक इस कंपनी में अपनी हिस्सा बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। तो पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों, तो रिटेल इन्वेस्टर जो हमारे हैं वो बहुत ही इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ चढ़कर देखने को हमको मिल रही है दोस्तों। सो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो जिस कंपनी का हमने क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखा एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, उस कंपनी का नाम है दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज दोस्तों। सो ये बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। एंड अगर इसके शेयर प्राइस की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि 1141 आपको देखने को मिल रही है। एंड आज का परफॉर्मेंस देखें तो 0.88% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो इस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तेजी भी बहुत ज़्यादा ही तेजी देखने को मिली, क्योंकि मार्केट पूरा आपको डाउन देखने को मिला, लेकिन ये आपको शेयर प्राइस इसका प्लस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि आज होना ही था। एंड अगर इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट नहीं रहता तो दोस्तों शायद हो सकता था कि यह कंपनी भी आपको रेड निशान में देखने को मिल सकती थी दोस्तों। एंड अगर 6 महीने की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 महीने का भी हमको जब ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। एंड 6 महीने में करीब 20% का मुनाफा ये अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है दोस्तों। एंड अगर 5 साल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 साल में इस कंपनी ने करीब करीब 363% का मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स को दिया है दोस्तों। सो दोस्तों ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बातें, तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर 363% का मुनाफा ये कंपनी अभी 5 साल में आपको दे रही है। एंड अगर दोस्तों आपको बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा चाहिए तो आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में रहना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्या शानदार तेजी आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। सो एंड अगर इसके रिटर्न की भी बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50,611% का रिटर्न ये कंपनी आपको 21 साल में देती हुई देखने को मिल रही। तो 50,611% का रिटर्न बहुत ही कम कंपनियां देती हुई देखने को मिल रही है दोस्तों। एंड दोस्तों यहां पर अगर मार्केट कैप की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी आपको 198.80 बिलियन आपको देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। एंड दोस्तों अगर NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चले एंड इसका आज का परफॉर्मेंस भी चेक कर ले तो सो यहाँ पर हम सबसे पहले डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि जो डिलीवरी परसेंट हमको देखने को मिले वो करीब 45% तक हमको आज देखने को मिले, जो कि अच्छी बात है। एंड अगर 52 वीक हाई एंड लो की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 52 वीक हाई जो 5 जनवरी को इस कंपनी लगाए तो जो 1365 रुपये आपको देखने को मिले, जबकि लो की बात करें तो 668 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो 1 साल की भी अगर तुलना करें तो ये कंपनी आपको डबल का मुनाफा दे चुकी है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर कंपनी इंफॉर्मेशन में चले तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मैंने आपको दिखाई दिया दोस्तों, एंड फाइनेंशियल रिजल्ट भी मैंने आपको अभी अभी दिखाया है दोस्तों। एंड तो हम सीधे डिविडेंड देखेंगे। सो डिविडेंड की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
इस कंपनी ने 2019 में ₹7 का आपको डिविडेंड दिया था, जबकि 2019 सितंबर की बात करें तो इसने बोनस भी आपको दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या जबरदस्त कंपनी है, जो बोनस भी अभी हाल ही में इसने दिया हुआ है। 2020 की बात करें तो ₹2.5 का डिविडेंड, 2020 में फिर इन्होंने सितंबर में ₹1 का डिविडेंड, एंड 2020 में ही फिर इन्होंने ₹1.5 का डिविडेंड इन्होंने दिया है। तो तीन बार इसने 2020 में आपको डिविडेंड दे चुकी है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। एंड प्लीज की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी प्लीज आपको इस कंपनी में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको इसको दिखा दिया था दोस्तों। सो ओवरऑल दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी एंड फुल्ली फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की भी बात करें तो वो भी हमको अच्छा देखने को मिला है दोस्तों। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं सब कुछ यहाँ पे हमको ठीक ही देखने को मिल रहा है। सो अगर आप चाहें तो इस कंपनी के बारे में भी सोच सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें तो ये आपको आगे फ्यूचर में बहुत ही मल्टीबैगर, मतलब अभी तो अभी भी मल्टीबैगर है ही दोस्तों, क्योंकि आपने रिटर्न्स देखा ही, तो आगे भी आपको ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को नज़र में आ सकती है। एंड बात करें तो ये कंपनी एक दिन आपको निफ्टी 50 का भी पार्ट देखने को मिल सकती है दोस्तों। सो आया दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।